मौजूदा वक्त में बिहार पुलिस की छवि दारू बालू वाली बन चुकी है। आम आदमी बिहार पुलिस को सिर्फ शराब और बालू के नाम पर पैसा उगाही करने वाली मानती है, मगर जमीनी हकीकत ऐसे नहीं है। क्योंकि पुलिस अगर आंख ना खुला रखे तो हम आप अपने घरों में आंख मूंद कर चैन की नींद भी नहीं ले पाएंगे। यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। लालगंज पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को धर दबोचा है जो वर्ष 1999 से अब तक एक दो चार नहीं बल्कि कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे अपराधी को लालगंज थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में लालगंज सराय मार्ग से हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए अपराधी की पहचान लालगंज के पोझिया गांव निवासी रघुनाथ राम के पुत्र रमेश राम के रूप में की गई है। इसके पास से पुलिस ने एक कट्टा और चोरी की बाइक भी बरामद की है। पूछताछ के बाद अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये वही रमेश राम है जिस पर लालगंज थाने में चोरी डकैती व कई अन्य प्रकार की आपराधिक घटना में संलिप्त रहने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। साल 1999, 2018, 2019 और 2021 में भी चोरी व डकैती के आरोप में मामला दर्ज है। आरोपित रमेश लंबे समय तक जेल की भी सजा काट चुका है। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ही नहीं बल्कि आम आदमी भी चैन की सांस ले रहा है। दूसरी ओर लालगंज पुलिस ने थाना क्षेत्र के सहदुल्लापुर गांव निवासी महेश्वर पासवान को भी गिरफ्तार किया है, जबकि नशे की हालत में धर्मेंद्र सहनी, सिरसा के सविंद्र उर्फ सकिंद्र राय, सुबोध सहनी और बसरा गांव निवासी जितेंद्र सहनी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा है कि शराब पीने वाले हो या बेचने वाले या फिर कोई अन्य अपराधी, किसी भी हाल में उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस हर पल चौकन्ना है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी तय है।